माध्यमिक शिक्षा परिषद के नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के मद्देनजर विभाग के विशेष सचिव उदयभान त्रिपाठी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माध्यमिक शिक्षा परिषद के विशेष सचिव राघवेंद्र प्रताप सिंह, डायरेक्टर विनय कुमार पांडे भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विशेष सचिव उदयभान त्रिपाठी ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण के माध्यम से विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी जाए, उन्हें उनके आचरण के प्रति सचेत किया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर नवनियुक्त शिक्षकों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे उन्हें विभाग के नियम और कानून की जानकारी मिल सके। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह प्रताप भदौरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और सभी रियायत में लखनऊ रियायत में कोई ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए लखनऊ नहीं है, बाकी सब उपस्थित है। ठीक ठीक ओके। सर मैं लोकेश वर्मा उप निरीक्षक, जेडी साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसलिए मैं उनके लिए प्रतिभाग कर रहा हूँ और सभी जनपदों के रियायत में उपस्थित रहते हैं। जेडी साहब करेंगे पहुंच रहे हैं तो ये भी पहुंच करना पड़ेगा। जेडी वाराणसी। नमस्कार सर, मैं शिव कुमार मोझा जीआईएस की बनारस बोल रहा हूँ। सर वो जेडी साहब आज इलाहाबाद गए हैं हाईकोर्ट और सर गर्म है, आज मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं तो उसकी व्यवस्था में सर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर सर अच्छा उनका शुक्ला कहाँ है बीडिया सर? वो सर इलाहाबाद के हैं। दोनों का है जेडी और बीडिया साहब? हाँ जेडी साहब को पता था कोर्ट हाईकोर्ट में ट्रेनिंग कराने में कोई समस्या आ रही है आप लोगों को? जी सर, 1 तारीख को ट्रेनिंग कराने में समस्या ये है कि शिक्षक और स्नातक के निर्वाचन है और 1 तारीख का सार्वजनिक अवकाश घोषित है, तो 1 तारीख को सर ट्रेनिंग करा पाना GIC जैसे लोगों ने सोचा है तो ऑलरेडी सेंटर बना हुआ है, 1 तारीख को ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, 2 तारीख से कराएंगे। एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए पहले आप लोग। अभी हमारी यहाँ पे शासन स्तर पे वार्ता हुई है, 1 सेकंड पहले हमारी बात सुन लीजिए आप लोग। अभी शासन स्तर पे वार्ता हुई है तो चूंकि काफी जिलों ने अपना शेड्यूल ग्रुप पे भेज दिया है, अगर किसी को कोई समस्या टेक्निकल आ रही है तो वो 1 तारीख की बजाय 2 तारीख से प्रारंभ कर सकता है। अगर जो 1 तारीख से शुरू कर दे रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ी समस्या आ रही है, कहे कि जो आपके नए टीचर्स हैं ये लोग अभी शिक्षक स्नातक में कभी ये लोग वोटर नहीं बने होंगे, और दूसरा ये है कि जो आपके प्रशिक्षक लोग जो आ रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए वो लोग अगर खाली 1 या 2 होंगे तो अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर 1 को कोई समस्या आ रही है तो 2 तारीख से भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें छोटा सा एक अनुरोध यह है कि आपके यहाँ जो टीचर्स ज्वाइन किए हैं उनका आप लोग अपने जिले में अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, किसी के यहाँ 15 है, किसी के यहाँ 20 है, किसी के यहाँ मैक्सिमम 100 के आसपास है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए ताकि जो भी सूचनाएं हम लोग भेजे उनको सीधे कैंडिडेट्स लोगों को टीचर्स लोगों को पहुंच जाए। अब मैं जॉइंट डायरेक्टर बरेली श्री डॉक्टर प्रदीप सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रशिक्षण के बारे में थोड़ा आपसे बात करें। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इस तरह का कार्यक्रम करने का, संभवतः ये सचिव महोदया और हमारे विशेष सचिव साहबा यहाँ मौजूद हैं, उनके निर्देशक ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप अवगत भी हैं कि हमारी ये परंपरा रही है कि जब भी घर में कोई नया मेहमान आता है, नए अतिथि आते हैं तो उनको जो घर की परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनसे अवगत कराने के लिए उन्हें बहुत सी बातें बताई जाती हैं, और ये संभवतः पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इंडक्शन हो रहा है टीचर्स का, और उनको ये बताया जाना जरूरी है कि विभाग क्या है, विभाग की संरचना क्या है, विभाग के रीति रिवाज क्या हैं, हायरार्की क्या है, इसके बारे में उनको बताया जाना बहुत जरूरी है। एक तरह से उनको विभाग में आत्मसात किया जाना है इस ओरिएंटेशन कोर्स के माध्यम से।
आप उन्हें ये बताएंगे कि किस तरह से आप विद्यालय में अपने आचरण से विद्यालय में जो शैक्षिक संस्कृति है, जो विभाग की संस्कृति है, उसको परिवर्तित करेंगे। आप देख रहे होंगे, आपको भी सभी जो जिला विद्यालय निरीक्षकगण हैं, संयुक्त शिक्षा निदेशक साहबान हैं, उनको दो चार होना पड़ रहा होगा आपको। मेरा भी एक अनुभव है, एक टीचर ने फोन किया, जेडी बोल रहे हैं बेटी, मेरा नाम ये है, ये ज्वाइन कहाँ करना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न ऐसे ऑड समय में ऑड वर्ड यूज करके, इससे ये लगता है कि उन्हें इंडक्शन की जरूरत थी, उन्हें ओरिएंटेशन की जरूरत थी, उन्हें ये बताने की जरूरत थी कि विभाग की संस्कृति क्या है, विभाग में किस तरह का आचरण करना है, शिक्षक की गरिमा क्या होती है, शिक्षक के दायित्व तो क्या होते हैं, उनसे किस तरह की अपेक्षा विद्यालय विभाग और समाज करता है, इसको बताने की ज्यादा जरूरत है। तो एक ये जो आपको ये बिंदु दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे कि अगर इन बिंदुओं पर विधिवत सबको एक छोटे छोटे सत्र में एक ट्रेनिंग, एक प्रशिक्षण दे दिया जाए, तो निश्चित रूप से वो अपने आप को ये समझने लगेंगे कि विभाग में हमारा विलय, हमारे व्यक्तित्व का पूरी तरह से विलय हो गया है, और उसके अनुरूप वो कार्य करने लगेंगे। इसमें आपको जो सावधानी बरतनी है वो ये है कि जो आप रिसोर्स पर्सन चुने, वो आपके जिले में बड़े ख्यातिलब्ध सेवानिवृत्त शिक्षक, जो एक्सपर्टाइज उनको हासिल है, कोई आईटी का एक्सपर्ट है, बड़े नए नए टीचर्स हैं आपकी डीआईसीज में जो आईटी के क्षेत्र में उनको महारत हासिल है, कोई ऐसे भी अध्यापक हैं या ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारीगण हैं जिनको अभिलेखों के रख रखाव, छुट्टी, रजिस्टर तैयार करना, इन सब के बारे में वो बहुत अच्छा प्रशिक्षण देते हैं, हर जिले में मौजूद रहते हैं दो चार, उनको आप चिन्हित करें। ये कार्यक्रम केवल औपचारिकता रख करके न रह जाए, उन्हें निश्चित रूप से आप तलाशेंगे तो वो मिलेंगे अपने अपने क्षेत्र में, बहुत ही विशद जानकारी करने वाले। आपके जिले में ऐसे ऐसे टीचर हैं जो इस कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसे ऐसे नवाचार उन्होंने किए हैं कि पूरे प्रदेश का उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, तो आप उन्हें भी बुलाएं। इसमें एक जो सातवां बिंदु है शिक्षा में नवाचार का है, आईटी के साथ साथ आपका जो है अवकाश संबंधी जानकारी है, ये बताना जरूरी है कि अवकाश की प्रकृति क्या होती है, अवकाश कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि टीचर ज्वाइन करते ही ये सब चीजें बड़े जिद्दत से जानना चाहता है कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमें अवकाश किस तरह के मिलते हैं, हमें किस तरह से विद्यालय में आना है, शिक्षक आपस में कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे, प्रधानाचार्य के साथ किस तरह का तालमेल स्थापित करेंगे, अभिभावक के साथ किस तरह का तालमेल स्थापित करेंगे, बच्चों के साथ उनके भावनात्मक संबंध किस तरह के होंगे, इन सब बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक आप उनको जानकारी दे देंगे तो उन्हें लगेगा कि मेरे चयन की सार्थकता है और विभाग हमारी कितनी बेताबी से, कितनी उत्सुकता से हमारी प्रतीक्षा कर रहा था और हमें तरीके बता रहा है उठने बैठने के, हमें आचरण करने के। एक शिक्षक के आचरण से पूरा विद्यालय प्रभावित होता है, और जब विद्यालय, बच्चे, टीचर सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो निश्चित रूप से समाज पर उसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। इसमें लीडरशिप देने की बात है, जो जिला विद्यालय निरीक्षकगण इसको बहुत सीरियसली लेंगे, अच्छे रिसोर्स पर्सन बुलाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों को आमंत्रित करके और खुद उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, खुद जो है तीनों सत्र में किसी न किसी समय वो निकाल करके जाकर के देखेंगे किस तरह का प्रशिक्षण हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये बहुत सार्थक कार्यक्रम होगा। बस एक चीज ध्यान रखने की है कि मीडिया का अटेंशन इस पर बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, जहां पर इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाए वहां साफ सफाई, सैनिटाइजर, मास्क, इन सब की